बात सुन के आपको लग ही गया होगा कि यहाँ पे बारिश हो रहा है। हम जब से दिल्ली से आए हैं तब से दिन में बारिश हुआ ही नहीं था, और मुझे बहुत दिनों से बारिश का इंतज़ार भी था, और मेरा बेटा भी बहुत तंग कर रहा था, मम्मी बारिश आए तो कुछ अच्छा से बनाइए। तो हमने सोचे हैं चलो बना ही देते हैं, तो आप देख ही सकते हैं क्या बनाए हैं। और इंडिया में इतनी बड़ी खुशी मिली है और कि इतना खुशी का लहर दौड़ रहा है कि इसके लिए तो और कुछ बनता है बनाना ही, तो चलिए हम कुछ बनाते हैं। तो हमने किचन में आ गए। हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम भी अच्छे हैं। तो हम क्या किए हैं ना, 3 कप मैदा ले लिए हैं, क्योंकि ये रेसिपी मैदा से ही ज़्यादा बेस्ट बनता है। मैदा तो कभी कभार ही खाना चाहिए क्योंकि बहुत नुकसान करता है। तो आज तो ये रेसिपी जो हम बनाए हैं ये मैदा से ज़्यादा बेस्ट बनता है, इसलिए हम मैदा से ही बनाए हैं। तो 3 कप हमने मैदा को छान लिए हैं, उसमें हम 1 चम्मच अजवाइन को हाथों से क्रश करके डाल दिए हैं और नमक थोड़ा सा डाल दिए हैं, और क्या किए हैं ना 3 टेबल स्पून हम इसमें देसी घी डाल दिए, ये देसी घी घर का है, और बहुत ही अच्छे से इसे मिला लेंगे। और मिलाने के बाद हाथ में ऐसे आटे को बांधेंगे तो एकदम लड्डू के जैसे बंध जाएगा, तो इसका मतलब आटा एकदम परफेक्ट है और इसका जो मोयन है एकदम अच्छा है। फिर हम क्या करेंगे, गुनगुना पानी कर लेंगे और इसका डो लगाएंगे, बहुत ही बढ़िया वाला डो लगाएंगे, बहुत ना ही मतलब कि ना ही बहुत ज़्यादा टाइट हो और ना ही बहुत ज़्यादा मतलब मुलायम हो, एकदम मीडियम साइज का आटा लगा ले इसका, क्योंकि ये समोसा हम बनाएंगे। और समोसा मेरा इतना टेस्टी बना था ना, इसका जो मसाला हमने इसमें डाले हैं ये सबसे ज़्यादा परफेक्ट तैयार हुआ था और इसे टेस्ट आया था। तो अब हम क्या करेंगे ना, गैस पे कढ़ाई चढ़ा देंगे, और ये हम खलमट्टा दिल्ली में खरीदे थे तो घर के लिए खरीदे थे, तो हम आए हैं तो घर पे लेके आ गए हैं, इसमें बहुत अच्छा कोई भी चीज़ कूट जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, कुछ खड़े मसाला ले लिए थे, जैसे कि 1 चम्मच धनिया, साबुत धनिया, और 1 चम्मच जीरा और 1/2 चम्मच सौंफ, और उसे दरदरा कूट के रख लिए हैं। इधर कढ़ाई गर्म हो गया, इसमें हम 2 से 3 चम्मच तेल डाल देंगे, जैसे ही तेल गर्म होगा उसमें वो जो हम मसाला कूटे थे उसे डाल देंगे। जो धनिया है ना, 2-2 फाका जो कूट जाता है उससे काफ़ी टेस्ट आता है, तो इसे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। फिर अदरक और लहसुन हमने कूट करके डाल दिए हैं, फिर इसमें कुछ और मसाले डाल देते हैं, या 1/2 चम्मच राई और थोड़ा सा डाल देंगे अजवाइन और कलौंजी 1 चम्मच की जितना। फिर हम इसमें डाल दिए मूंगफली दाना, उसे भून लिए, फिर हरी मिर्च डाल दिए हैं, उसे भी थोड़ा सा भून लेंगे। जो मूंगफली दाना है ना उसे 2 मिनट तक भूनेंगे ताकि कच्चा ना रहे। फिर हम इसमें क्या किए, हरी मिर्च डाल के भूनने के बाद प्याज डाल देंगे और थोड़ा प्याज हम बचा लेंगे। कुछ तैयारियाँ हमने पहले से कर लिए थे क्योंकि इसका प्रोसेस लंबा है ना, इसलिए। फिर हम इसमें कुछ बेसिक से मसाला डालेंगे, इसमें हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, काली मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, और 2 चम्मच के डाल देंगे इसमें आमचूर पाउडर, इससे काफ़ी टेस्ट अच्छा आता है। और मसाला हम थोड़े थोड़े मात्रा में डालें। फिर हम डाल देंगे थोड़ा सा कसूरी मेथी हाथों से क्रश करके, और थोड़ा प्याज हम क्यों बचाएं इसे हम आपको बाद में बताते हैं। फिर हम इसमें डाल देंगे सांभर मसाला, इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता था। और हम इंडिया की खुशी में जो ये हम समोसा बनाए हैं, और बारिश की खुशी के लिए ये समोसा मेरे मोहल्ले के कुछ लोगों ने खाए हैं, काफ़ी उन लोगों को पसंद आया है, तो वो हम वीडियो में तो आपको नहीं दिखा पाएंगे पर बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बना था। फिर हम इसमें थोड़ा सा गर्म मसाला और थोड़ा सा हींग और नमक डाल दिए हैं 2 चम्मच के जितना, और सभी को मिलाकर आलू को हम बॉईल करके रख लिए हैं। ये 8 से 10 आलू है क्योंकि हमें समोसा थोड़ा सा अधिक मात्रा में बनाना है, इसलिए। तो खाने वाले घर पे ज्यादा नहीं है पर ये हमें कुछ लोगों को देना था इसलिए। और क्या किए हैं ना, हम आलू को हाथों से क्रश करके डाल देंगे, एकदम मैश नहीं करेंगे आलू को, और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा गर्म मसाला और जो हमने धनिया जो काट के रखे हैं उसे, और फिर जो हमने प्याज को रखे थे बचाकर वो प्याज हम इस स्टेज पे डालेंगे ताकि उसमें क्रंचीपन रहेगा तो खाने में समोसा अच्छा लगेगा। फिर हम क्या करेंगे ना, इसे जो हम आटा गूंथ के रखे थे तब तक मेरा आटा भी सेट हो गया है तो थोड़ा सा और मिला लिए थे, और इसे बेल लेंगे अंडाकार में, जैसे बहुत ज़्यादा गोल भी नहीं रहे और बहुत लंबा भी ना रहे, और हम मिनी समोसा बना रहे हैं छोटा छोटा साइज का, तो इसलिए पूड़ियाँ हम छोटे छोटे बेले हैं और बहुत मोटा भी नहीं रहे और बहुत पतला भी ना रहे। फिर हम पूड़ी को 2 भाग में कट कर लेंगे, और उस पे हम किनारे में जिधर से कट करेंगे ना उधर से हम पानी लगा लेंगे ताकि चिपक जाएगा, और उसे कुप्पी के जैसे एक दूसरे पे चिपका देंगे।
बहुत अच्छा सा चिपक जाता है। फिर हम क्या करेंगे ना, जिधर चिपकाए हैं उसके पीछे वाले पार्ट में एक चूनट उसमें देंगे, एक जैसे कि मोड़ लेंगे थोड़ा सा, ताकि ये समोसा के शेप में बन जाएगा बढ़िया से। आपको अच्छे से इसमें नहीं दिखाया, हम आपको दूसरा वाला दिखा देते हैं। बहुत अच्छा ये समोसा बन करके रेडी हुआ था और मुझे काफ़ी खुशी हो रहा था कि इतना सुंदर हमने समोसा बनाए हैं। जी पहली बार बनाए हैं वीडियो के लिए, इससे पहले 2-4 साल पहले के हम समोसा बनाए हैं, पर मेरा बेटा बहुत मन से समोसा खाता है, वही परेशान किया था। तो चलिए ऐसे ही कुपी की जैसे बना लिए थे। और देखिए जो जिधर से हमने चिपकाए थे उधर नहीं, ये पीछे साइड में हम इसमें डॉट जैसे दे देंगे, इसे चुनट के जैसे मोड़ लेंगे, तब जाके समोसा का शेप अच्छा बनेगा। और अच्छे से इसे चिपकाना है, नहीं तो ऑयल अंदर जाने लगेगा जब हम तलेंगे। तो इसी तरीके से हमने सारे समोसा बना लिए हैं। देखिए इतना सारा समोसा बनाए हैं, अभी थोड़ा स्टफिंग मेरा बच भी गया है तो उसे हम बाद में बनाएंगे, क्योंकि पूरे दिन मुझे लग गया था इस समोसा में तैयारी, समोसा इंजॉय कर करके, और खुशी का जो लहर है उसमें खुशी भी जाहिर करना चाहिए, इसलिए थोड़ा टाइम और लग गया था। बीच बीच में हम काम को बंद कर दे रहे थे, इतना ज़्यादा खुशी मिला है मुझे। और रोहित शर्मा को मेरा फेवरेट है, वो जब खुश होता है ना तो लगता है मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई हूँ। और जब से जीता हुआ है ना, तब से मुझे खुशी की वजह से मैं आपसे क्या बताऊँ, कितना ज़्यादा हम खुश हैं। तो अब हम क्या करेंगे ना, गैस पे कढ़ाई चढ़ा देंगे और इसमें डालेंगे हम रिफाइन ऑयल, जो भी आप खाते हैं, बढ़िया वाला मेरा है ये मूंगफली का तेल है, इसमें बहुत अच्छा बनता है। और हम ना इसमें मोइन जो डाले हैं ना देसी घी का, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है समोसा में। अब हम क्या करेंगे ना, आपके पास देसी घी ना हो तो ऑयल भी डाल सकते हैं, मतलब कोई भी घी आपके पास जो हो वो डाल सकते हैं। फिर हम तेल को गैस पे एकदम से हाई नहीं गर्म करेंगे, मीडियम गर्म करेंगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा समोसा ऊपर से लाल हो जाएगा और अंदर क्रिस्पी नहीं होगा। और एक राज और है, जब आपको समोसे को बहुत देर तक क्रिस्पी रखना है तो आप समोसे को 2 बार तलिए, हाफ हाफ करके, जैसे कि एक बार तल लिए हैं तो निकाल दीजिए उसे और फिर से एक बार और उसे तलिए, तो ज़्यादा देर तक क्रिस्पी रहता है। ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी चीज़ है, वो हम आपको दिखा नहीं पाए हैं। अगर एक बार में तल रहे हैं आप तो एकदम गैस को धीमा करके, और कम से कम 8 से 10 मिनट लगेगा एक बैच का समोसा तलने में, और बहुत अच्छा क्रिस्पी एकदम समोसा तल गया था। मतलब ये समोसा ना सुबह अगर तले हैं ना तो 2 दिन तक ये क्रिस्पी रहेगा, इतना ज़्यादा अच्छा ये समोसा बना था। तो मेरा सारा समोसा एकदम बेस्ट तल चुका है। और ये हम 2-2 चटनी बनाए थे, इसका अगर आपको रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको दे दूंगी। ये ग्रीन चटनी है और ये है रेड वाली, जो दुकानों में मिलती है वो वाली चटनी है। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था और मेरा समोसा बहुत अधिक मात्रा में बना था, बहुत कम से कम 10 से 12 लोग ने ये समोसे को खाए हैं और बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किए हैं। तो चलिए अब सर्व करके आपको दिखा देते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, तोड़ के दिखा देते हैं। ये देखिए कितना क्रिस्पी है और अंदर से एकदम मुलायम, और स्टफिंग भी बहुत अच्छे मात्रा में हमने भरे हैं, क्योंकि दुकान तो है नहीं, घर पे बना रहे हैं तो थोड़ा अच्छा ही होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं इस पे चटनी लगाइए, फिर लाल वाली चटनी डालिए। ये जो लाल वाली चटनी है ना, एकदम दुकानों में जैसे बनती है उस तरीके से हमने दोनों चटनी को बनाए हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी हुआ था। आप देख सकते हैं इस समोसे का कलर टेक्सचर। हम अगर मेरा समोसा पसंद आएगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। तो थैंक यू, बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।